एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड एज, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दो, ये इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब मेजरमेंट किया है आपने। तो याद रखना, आई हैव टोल्ड यू कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो ही उसमें एरर आता है। तो जब ऐसे वर्ड यूज होना, रिकॉर्डेड, ऑब्जर्व, मेजर्ड, तो उस क्वांटिटी में क्या आएगा? एरर। क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो और इंस्ट्रूमेंट में एरर होता ही है। तो अगर ये वर्ड यूज किया है रिकॉर्डेड, क्या क्या रिकॉर्ड किया? मास एंड डेंसिटी। तो मास और डेंसिटी के मेजरमेंट में क्या आएगा? एरर। देखो क्या लिखा है, मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड एज। मास कितना है? 5 प्लस माइनस क्या? 0.15। तो मास की वैल्यू कितनी आई? 5। और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास कितना आया? प्लस माइनस 0.15। एंड डेंसिटी, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी? प्लस माइनस हाउ मच? 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको बोला है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई 100 ये होता है परसेंटेज एरर। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? हमको क्या फाइंड करना था? परसेंटेज एरर। किसमें परसेंटेज एरर? वॉल्यूम के मेजरमेंट में। हमने मेजरमेंट क्या क्या किया? मास और क्या किया? डेंसिटी। एरर किसमें चाहिए? वॉल्यूम में। व्हाट इज डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? मास अपॉन डेंसिटी। अब इफ यू रिमेंबर, नहीं याद होगा तो बता देता हूं मैं। इफ यू रिमेंबर, हमने कहां पे लिखा था? वी हैव सीन दिस समवेयर। एक मिनट, हमने जब एरर एनालिसिस किया था ना, प्रोपगेशन ऑफ एरर याद आ रहा है क्या? प्रोपगेशन ऑफ एरर, डू यू रिमेंबर प्रोपगेशन ऑफ एरर? चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। प्रोपगेशन ऑफ एरर में हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला था, जेड इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो याद है क्या लिखा था तुमने? डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये कौन सा एरर है? फ्रैक्शनल एरर, मतलब कौन? रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे? इंटू 100। अब सिमिलरली जेड के यहाँ पे कौन है? बी। एम के यहाँ पे कौन है? और बी के यहाँ पे रो। तो व्हाट विल बी डेल्टा बी बाई बी? डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा रो बाय रो। और मैंने आपको बताया था कि ये जो b है, ये न्यूमरेटर में हो या डिनोमेटर में हो, डेल्टा z बाई z का फॉर्मूला सेम रहता है। तो प्रोडक्ट के लिए, मतलब a इंटू b के लिए या फिर a अपॉन b के लिए, एरर का फॉर्मूला क्या आता है? सेम आता है। गुड, तो आ गया, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एरर। लेकिन हमको फ्रैक्शनल एरर चाहिए क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? परसेंटेज एरर। तो मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे भी और मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे भी। तो हो गया परसेंटेज एरर का फॉर्मूला रेडी। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जस्ट पुट वैल्यूज हियर, डन। उसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम। व्हाट इज डेल्टा एम? व्हाट इज डेल्टा एम? प्लस माइनस नहीं लिखते कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पे। 0.15 अपॉन 5। व्हाट इज डेल्टा रो? 0.2 अपॉन 5। वेरी गुड, हमारा काम आसान हो गया। सेम नंबर दे के हमारा काम कम कर दिया। चलो कोई बात नहीं, गुड हो गया। अब व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस? कैलकुलेशन सिंपल कैसे करोगे? जीरो, अरे ये 5 को कॉमन निकाल लो ना। तो 5 को बाहर निकाल लिया। व्हाट इज 0.12 प्लस 0.2? 0.35 इंटू क्या?
100, 1s are 20s are, correct? What is 0.35 into 20? 7. तो कितना आ गया? 7%. तो 7% आंसर होना चाहिए, 7% दिया है, डन। तो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर सम नंबर्स जो आपको कैलकुलेशन में बार बार दिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 पता होना चाहिए कितना है, 0.5, 1/4 मतलब आधे का आधा 0.25, 1/8 मतलब 1/4 का आधा 0.125, करेक्ट। उसके बाद 1/16 इसका भी आधा 0.0625, 1/32 इज यू नो 0.037, बस इतना भी आधा होगा तो बहुत हो गया, ठीक है, राउंड ऑफ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो 2 है, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 64, 2 raised to 7 is 128, 2 raised to 8 is 256, 2 raised to 9 is 512, 2 raised to 10 is 1024, 2 raised to 11 is 2048, 2 raised to 12 is 4096। ये सारे आपके मेमोरी के साइज होती है, पता होगा तो। अभी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें आप 4GB RAM बोलते हो ना, 2GB RAM, तो 4GB वो 4GB नहीं होता है, वो 4096 MB होता है, दैट इज़ 2 raised to 12। तो ये नंबर्स आपको बार बार आएंगे कैलकुलेशंस में, तो ये नंबर्स आपको पता होने ही चाहिए। देन ऑफकोर्स पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1/π कितना होता है? चलो एक काम करना, 0.318 होता है वो। अब एक काम करना, याद कैसे रखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है, 3. तो एक काम करना ना, 1/π में से जो पॉइंट है ना, पॉइंट इसको आगे लगा देना, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, हो गया 0.314 अप्रॉक्सीमेटली। तो 1/π आए तो क्या लिखोगे, 0.314 अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट 0.318 होता है, लेकिन चलता है उतना। बट और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आगे आएंगे, और जब जब लगेगा तब तब मैं बता दूंगा। तो धीरे धीरे हमको आने वाले 2 साल के कोर्स में आई विल नॉट अलाउ पेन पेपर पे लिखना, मैं अलाउ करूंगा ही नहीं कैलकुलेशन करते वक्त। कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो यू हैव टू डू इट ओरली। अगला